टू एसबी कुकिंग शो। आज हम मिक्स वेज परौठा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये मूली चॉप करी है, ये गाजर, ये मेथी है, ये गोभी है और ये ग्रीन चिली है। और आप किसी भी तरह की वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने प्याज भी चॉप किया है और ये मक्की का आटा है। मक्की की रोटी नहीं खाते बच्चे, चुप करके हम मिक्स कर देंगे इसको। और ये गेहूं का आटा है, आप मैदा भी डाल सकते हो, पर हेल्दी खाना जो है वो गेहूं के आटे से ही आप मिक्स परौठा बनाएं, मैदा मिक्स ना करें। तो ये देखो, हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। हम चुपके से ये थोड़ा सा मक्की का आटा भी डाल देंगे और ये हम इस तरह से मिक्स कर देंगे सारा आटे में। ये गोभी, गाजर, ग्रीन चिली और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और इस आटे के डो को हम बना के तैयार कर लेते हैं। धनिया पाउडर और थोड़ा सा मसाला भी मिक्स कर देंगे और इस आटे को हम अच्छे से गूंध लेंगे, फिर हम परौठा बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम आनियन भी चॉप किया हुआ डाल देंगे और अब हम इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो भी हमने मसाले और नमक वगैरह ऐड किया है या सब्जियां वगैरह, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम पानी डाल के इसको गूंध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, अच्छे से डो बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डो तैयार हो गया है। अभी हम एक चम्मच थोड़ा सा घी डाल लेंगे रिफाइंड और इसको किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। देखो, सॉफ्ट हो गया है। अभी हम परौठा बनाएंगे। हमने ये एक लोई बना ली है। अभी इसको हम सूखे आटे से ऐसे करेंगे और इसको परौठे का आकार दे देंगे, जिस तरह से भी आपका दिल करता है। हल्का सा बीच में घी लगा लीजिएगा इस तरह से। वैसे तो ये सॉफ्ट ही बनेगा, पर फिर भी थोड़ा सा ऐसे इस तरह से तो फ्रेंड्स, अगर हम गेहूं के आटे का ही बनाते हैं तो बड़ी फिनिशिंग से बनता है ये, पर मैंने थोड़ा सा मक्की का आटा मिक्स किया है तो इस करके ये साइडों से इतनी फिनिशिंग नहीं होती, टूट जाता है। ये देखो, तवा गर्म हो गया है। ऐसे हम घी लगा देंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, आप इसको नई शेप दे तो अच्छा है, तो बिल्कुल नहीं टूटता। इसको राउंड शेप में बनाएं, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल मिक्स करी होती हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से मिक्स वेज परौंठा बनाइए और खाइए। बहुत ही यम्मी बनता है और सॉफ्ट बनता है। दही के साथ खाओ, मक्खन के साथ खाओ, जैसे आपका दिल करता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और ये बिल्कुल बारीक चॉप करी हुई जब हम वेजिटेबल्स डालते हैं तो बच्चों को भी नहीं पता चलता कि क्या क्या वेजिटेबल्स डाली हैं, तो ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप इस तरह से बनाना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।